Come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, नमस्कार दोस्तों, बजट 2023 संसद में पेश हो चुका है। बजट 2023 हम सब के लिए कुछ ना कुछ लाया है। बजट 2023 किसानों की बात करता है, सैलरीड एम्प्लॉइज की बात करता है, सीनियर सिटीजन की बात करता है, महिलाओं के लिए बात करता है, एमएसएमई की बात करता है, स्टूडेंट्स की बात करता है। हर किस्म के लोग के लिए बजट 2023 कुछ ना कुछ लेकर आया है। साथ ही साथ जिसका हमें था बेसब्री से इंतजार, पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब में हुए हैं सबसे बड़े बदलाव। कैलकुलेशन के साथ समझेंगे कि कितना फायदा दोस्तों इस स्लैब में जो चेंजेस हुए हैं उसके कारण हमें होने वाला है। अंत तक बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त सी हार्दिक ठक्कर, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार बजट 2020 से लेकर बजट 2023 तक आपके प्यार के कारण हम वीडियो बनाते हैं जिसका फायदा आप सभी को होगा। दोस्तों सबसे पहले बात हम करने वाले हैं सप्तऋषि की, जिसकी बात सरकार ने की है। सप्तऋषि यानी कि सरकार ने एक 7 स्तंभ बनाए हैं जिसके ऊपर बजट 2023 का पूरा निर्भर है। देखिए स्क्रीन पर बजट 2023 में सरकार ने क्या कहा है। सबसे पहले कहा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि सबका विकास, रीचिंग द लास्ट माइल यानी कि अंत तक, ग्राउंड लेवल तक सारे बेनिफिट्स और स्कीम का फायदा पहुंचे। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात की है, यूथ पावर, अनलीजिंग पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ और फाइनेंशियल सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, इस 7 स्तंभ के ऊपर बजट 2023 का निर्भर है। सरकार ने पहले बात की है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार करने वाली है आने वाले सालों में 10 लाख करोड़ रुपए का। पहली बार हुआ है कि डबल डिजिट्स में ये आंकड़ा गया है। 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार निवेश करेगी। साथ ही साथ रेलवे में भी सरकार ने 2.04 लाख करोड़ का दोस्तों फंड देने का सबसे बड़ा ऐलान किया है कि आने वाले सालों में रेलवेज में भी हम एक बड़ा ग्रोथ देखने को देख रहे हैं। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो रहती है वो अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो सालाना हम 15 लाख रुपए का निवेश उसमें कर सकते हैं, जिसमें अच्छा खासा हमें इंटरेस्ट मिलता है सीनियर सिटीजन के लिए। लेकिन उस 15 लाख को सरकार ने अब 30 लाख रुपए दोस्तों कर दिया है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सरकार महिलाओं के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए एक महिला सम्मान बचत पत्र योजना सरकार लेकर आई है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें महिलाओं के नाम पे निवेश होगा। सालाना हम 2 लाख रुपए निवेश कर सकेंगे 2 सालों के लिए, जिसमें अच्छा खासा दोस्तों इंटरेस्ट सरकार देगी, ऐसा बजट 2023 में सरकार ने कहा है। साथ ही साथ अगर दोस्तों हम एमएसएमई की बात करें, एमएसएमई हमारे देश का एक मशीन है, एक इंजन है, तो मशीन को मजबूत बनाने के लिए, एमएसएमई को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एडिशनल कॉर्पस फंड क्रेडिट गारंटी स्कीम में 2 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड सरकार ने बनाया है। आप सभी लोगों ने जाना होगा कि एमएसएमई के लिए सरकार एक स्कीम लेकर आई थी कोविड के दौरान, तो उसी स्कीम में एक नया कॉर्पस सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का ऐड किया है, जिससे आपको 1% इंटरेस्ट का सब्सिडी भी
सरकार देने वाली है। तो एक अच्छी खासी स्कीम एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए सरकार लेकर आई है। साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर्स के लिए सरकार ने कहा है कि जो कंपनियां एमएसएमई सेक्टर्स के पास से परचेसिंग करती है रॉ मटेरियल हो या सर्विसेज हो, तो उनको टाइम पे पेमेंट करना है, क्योंकि कंपनी अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करेगी तो उन्हें खर्चे के रूप में डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कंपनियों को 31 मार्च से पहले एमएसएमई सेक्टर से ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर जितनी भी परचेसेस की है अगर उसका डिडक्शन लेना है तो उनको 31 मार्च से पहले उन सभी को पेमेंट करना होगा। जी हां दोस्तों, एक सबसे बड़ा बदलाव एमएसएमई सेक्टर्स के लिए सरकार लेकर आई है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम हमारे जैसे लोग जो पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो उनके लिए भी सरकार कुछ बड़े बदलाव लेकर आई है। अगर हम देखें तो सिंगल नेम पे हम 4.5 लाख रुपए का निवेश पूरे साल में कर सकते थे, उस स्कीम को 9 लाख रुपए तक कर दिया है, यानी कि 9 लाख रुपए तक हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर हम ज्वाइंट अकाउंट है तो पहले जो 9 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ाकर 15 लाख रुपीज का प्रावधान कर दिया है इस बजट 2023 में। तो ये एक सबसे बड़े बदलाव सरकार लेकर आई है इस बजट 2023 में। साथ ही साथ स्कूल लेवल पे टूरिज्म को भी एक बड़ा बदलाव सरकार लेकर आई है। टूरिज्म में सरकार ने कहा है कि 50 ऐसे स्पॉट को देखा जाएगा पूरे देश में जहां पे टूरिज्म का पूरी तरह से डेवलपमेंट किया जाएगा, तो जिससे आने वाले स्थानों में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बड़ी बनने वाली है। साथ ही साथ हम सब का जिसको था बेसब्री से इंतजार, पर्सनल इनकम टैक्स में हुए हैं सबसे बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, 5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं है, हम सब जानता था, लेकिन सरकार अब लेकर आई है कि 7 लाख रुपए तक अब दोस्तों कोई टैक्स नहीं है। जी हां दोस्तों, एक नया स्लैब सरकार लेकर आई है। वैसे पहले से भी 2 स्लैब थी, ओल्ड स्लैब न्यू स्लैब, लेकिन सरकार ने जो न्यू स्लैब था उसमें थोड़ा चेंजेस किया है और उसमें सरकार ने जो रिबेट का प्रावधान था वो 7 लाख रुपए तक कर दिया है। यानी कि अब सरकार कुछ ना कुछ हमें ये इशारा कह रही है कि सब लोग धीरे धीरे न्यू स्कीम की ओर हम आगे बढ़े, क्योंकि ओल्ड स्कीम में अगर हम जाएंगे तो 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर हम नए स्लैब की ओर जाते हैं तो 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। जी हां दोस्तों, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इनकम टैक्स का जो स्लैब था पहले, जो नया स्लैब था, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 to 7.5 10%, 7.5 से 10 लाख 15%, 10 to 12.5 20%, 12.5 to 15 लाख 25%, एंड अबाउ 15 लाख 30% था। लेकिन सरकार ने उस स्लैब को मॉडिफाइड कर दिया है और 3 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सरकार ने दी है। तो अब 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, और अगर हम 15 लाख से ज्यादा अगर हमारी इनकम है तो 30% का स्लैब सरकार लेकर आई है। अब हमें समझना तो ये है कि टैक्स तो लगेगा, लेकिन सरकार ने जो रिबेट है 87A के अंदर जो रिबेट है उसको बढ़ा दिया है, जिसका अब सरकार कह रही है कि अगर आप नए स्लैब की ओर जाते हैं और अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जी हां दोस्तों, 7 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है, अगर आप नए टैक्स स्लैब में जाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल तैयार किया है जिसमें आप देखेंगे कि अगर 7 लाख रुपए मेरी अगर इनकम है और अगर मैं ओल्ड स्कीम में जाता हूं, ओल्ड और उसमें भी न्यू स्लैब में पहले था 33,800 और अब बजट 2023 के स्लैब के हिसाब से मुझे 7 लाख की इनकम के ऊपर अब कोई टैक्स नहीं देना है, यानी कि 33,800 की मेरी बचत अब होने वाली है। अगर मेरी इनकम 8 लाख रुपए है तो पहले के स्लैब के हिसाब से 46,800 का टैक्स बनता था, जबकि अब के हिसाब से 36,400, यानी कि 10,400 रुपए का बेनिफिट मुझे होगा। अगर मेरी 9 लाख की इनकम थी तो पहले 60,400 और अब 46,800, तो अब 15,600 का बेनिफिट मुझे होगा इस नए स्लैब के कारण। 10 लाख की इनकम है तो 78,000
और नए स्लैब के हिसाब से 62,400 यानी इसमें भी 15,600 का फायदा। अगर मेरी इनकम 12 लाख रुपए है तो 1,19,600, जबकि अब के हिसाब से 93,600 यानी कि 26,000 का फायदा। और अगर मेरी इनकम 15 लाख रुपए तक है तो 1,95,000 टैक्स होता था, जबकि अब होगा 1,56,000 यानी कि 39,000 का फायदा। और अगर 6 लाख रुपए की अगर मेरी इनकम है तो पहले के हिसाब से अगर हम देखने के लिए जाए तो 23,400 का टैक्स होता था, जबकि अब तो मैंने कह दिया कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए तक है तो वो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कुल मिला के बात करें तो सरकार अब कहना चाहती है, एक ऑप्शन दिया है हम सबको कि जो भी व्यक्ति, अब ये केस टू केस देखना होगा कि हमारी इनकम किस हिसाब से है, हमारा इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से है। कई सारे लोगों ने तो पहले से ही होम लोन लेकर रखा है 15 सालों के 20 सालों के लिए, तो हो सकता है कि वो अभी ओल्ड स्कीम में ही रहें। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब हमें सरकार ये इशारा कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू स्कीम में जाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। कोई भी सवाल है अंत तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और कोई भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो बोलिए, हम कोशिश करेंगे तो आप सभी के जो टॉपिक्स दिए हैं उस पर हम वीडियो बनाएं। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।